भारत की जनसंख्या अपहरण घनत्व और वृद्धि के बारे में चर्चा कर रहे थे चैप्टर नंबर 3, जिसके अंतर्गत हमने देखा कि जनसंख्या से तात्पर्य जल घनत्व से तात्पर्य है, जनसंख्या वितरण से तात्पर्य है, और विश्व में जनसंख्या वितरण का प्रारूप कि किस प्रकार जनसंख्या का विश्व में प्रारूप पाया जाता है और जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों की चर्चा की। आगे हम जनसंख्या महाजन समूह के बारे में चर्चा करेंगे कि विश्व में जो जनसंख्या समूह पाए जाते हैं मुख्य रूप से कौन कौन से हैं और किस प्रकार विभाजित किए जाते हैं। जनसंख्या महासमूह, ऐसे विशाल जनसमूह जो नगरीय और नगरीय क्षेत्रों की जनसंख्या के आपस में संलग्न होने से निर्मित होते हैं। ऐसे जनसमूह जो नगरीय और उपनगरीय दोनों को सम्मिलित किया गया है, नगरीय और उपनगरीय दोनों को सम्मिलित रूप से संलग्न करने पर जो निर्मित होते हैं उन्हें महाजनसंख्या समूह की संख्या दी गई है। जनसंख्या महासमूह कहलाता है। विश्व की जो 80% जनसंख्या है वो चार महाजनसमूहों में निवास करती है। देखिए जनसंख्या महासमूह एक तरफ तो महानगर और इसके अलावा उपनगर दोनों की सम्मिलित जनसंख्या से निर्मित जो समूह होगा, महानगर और उपनगर दोनों की जनसंख्या को मिलाकर जो दोनों की जनसंख्या से निर्मित समूह होगा उसको महाजन समूह की संख्या दी गई। और विश्व के जो महाजन समूह है उनको मुख्य रूप से चार भागों में विभाजित किया गया, जिनमें पहला एशिया जनसमूह, दूसरा यूरोपीय जनसमूह, तीसरा अमेरिका जनसमूह और चौथा अफ्रीका जनसमूह। जिसमें पहला है एशियाई जनसमूह, एशियाई जनसमूह विश्व की जो सर्वाधिक जनसंख्या है 60% एशिया जनसमूह में निवास करती है। विश्व की जो जनसंख्या है उसका 60% जो जनसंख्या समूह है वो एशिया जनसमूह के अंतर्गत पाया जाता है। एशिया जनसमूह को मुख्य रूप से 3 उपशाखाओं में विभाजित किया गया है या उपसमूहों में विभाजित किया गया है, पूर्वी एशिया, पूर्वी एशिया, दूसरा है दक्षिण पूर्वी एशिया और तीसरा है अब दक्षिण एशिया। तीन जनसमूहों में विभाजित किया गया है एशिया जनसमूह को, 3 समूह में विभाजित किया गया है। पूर्वी एशिया जिसके अंतर्गत चीन, जापान और कोरिया, 3 देशों को सम्मिलित किया गया है, चीन, जापान और कोरिया। दूसरा जो जनसमूह है दक्षिण पूर्वी एशिया इसके अंतर्गत सिंगापुर, इंडोनेशिया और वियतनाम, 3 को सम्मिलित किया गया है। वहीं दक्षिण एशिया के अंतर्गत भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश को एशियाई जनसमूह मुख्य रूप से, एशियाई जो जनसमूह है वो मुख्य रूप से 10 डिग्री से 40 डिग्री के उत्तरी अक्षांशों के मध्य स्थित है। एशियाई जनसमूह 10 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश
के मध्य स्थित है। यदि सरल बात है, अधिकांश जनसमूह या अधिकांश जनसंख्या पाई जाती है 10 से 40 के बीच। एशिया जनसमूह की चर्चा, एशिया जनसमूह है उसके अंतर्गत 10 से 40 डिग्री के अंतर्गत ये जनसमूह पाया जाता है, जहां पर नदियों द्वारा निर्मित उपजाऊ मिट्टी है और मैदानी भाग है जो कृषि के लिए उपयुक्त है, जो कृषि के लिए उपयुक्त है। जनसमूह की सभ्यता को चावल की सभ्यता के नाम से भी संबोधित किया जाता है। जो जनसमूह है यहाँ की जो सभ्यता उसको चावल सभ्यता के नाम से भी संबोधित किया गया है। जापान को छोड़कर शेष सभी देशों की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है। यदि इस जनसमूह में जापान को छोड़ दिया जाए, जापान को हटा दिया जाए, तो संपूर्ण जो जनसमूह है, जो देश आते हैं इस जनसमूह के अंतर्गत, वहां की जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि प्रधान है। जापान की अर्थव्यवस्था उद्योग आधारित है। एशिया जनसमूह के देशों की प्रमुख समस्या, जो एशियाई जनसमूह है इसकी समस्या है, वो मुख्य समस्या है जनसंख्या वृद्धि की। इस जनसमूह के अंतर्गत जो जनसंख्या वृद्धि है वो तीव्र गति से हो रही है। जनसंख्या की दृष्टि से एशियाई जनसमूह के प्रमुख देश चीन है, भारत है, इंडोनेशिया है, पाकिस्तान है और बांग्लादेश है। अगला जनसमूह है यूरोपीय जनसमूह। यूरोपीय जन समूह विश्व एशिया के बाद जो जन समूह सबसे बड़ा पाया जाता है वो यूरोपीय जन समूह है, क्योंकि यहाँ की जो जलवायु है समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है, जिसके अंतर्गत यहाँ के जो सर्वाधिक जन समूह है वो 40 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य निवास करता है। 40 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश में सर्वाधिक जन समूह निवास करता है। यहाँ की जलवायु समशीतोष्ण पाई जाती है। इसकी सर्वाधिक संगतता 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 55 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य, लेकिन 40 डिग्री 60 डिग्री के मध्य तो पाया जाता है, लेकिन जो सर्वाधिक जनसमूह पाया जाता है, सर्वाधिक जो जनसंख्या पाई जाती है वो पाई जाती है इसके अंतर्गत 45 डिग्री से 55 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य। यूरोपीय जनसमूह में सर्वाधिक जो जनसंख्या या जनसमूह पाया जाता है 45 डिग्री से 55 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य पाया जाता है, क्योंकि इस अक्षांश में रूहर कोयला क्षेत्र पेटी जर्मनी के सहारे स्थित है, जिसके कारण अधिक खाने पाई जाती है और अधिक खाने या अधिक वहां पर रोजगार के साधन उपलब्ध होने के कारण वहां पर अधिक जनसंख्या निवास करती है। 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश के सहारे ब्रिटेन से लेकर रूस के डोनेट बेसिन तक फैली हुई जनसंख्या बैंड को यूरोप की जनसंख्या ग्रुपी भी कहा जाता है। यूरोपीय जनसमूह के सभी देश विकसित देशों की श्रेणी में आते हैं। यूरोप देश के जो जनसमूह है, सभी जो जनसमूह है विकसित देश या विकसित समूह की श्रेणी में आते हैं। इसमें यहाँ की सभ्यता को औद्योगिक सभ्यता भी कहा जाता है। यूरोप की जो सभ्यता है इसको इसलिए भी विकसित होने के कारण औद्योगिक सभ्यता भी कहा जाता है। यूरोपीय जनसमूह का 70% अधिक भाग है, 70% से अधिक भाग है जो नगरों में निवास करता है। यहाँ पर जो जनसंख्या पाई जाती है उसका 70% से अधिक भाग है वो नगरों में निवास करता है। यहाँ प्रति व्यक्ति आय अधिक है और जीवन स्तर ऊंचा पाया जाता है तथा जनसंख्या वृद्धि दर स्थिर अवस्था में है। जनसंख्या की दृष्टि से यूरोपीय जनसमूह के प्रमुख देश क्रमशः रूस सर्वाधिक है, जर्मनी,
ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस है। तीसरा है अमेरिकी जनसमूह। अमेरिकी जनसमूह इसके अंतर्गत अमेरिका का उत्तरी पूर्वी भाग कनाडा के पूरे तटीय क्षेत्र सम्मिलित है। यह विश्व की सबसे नवीन और विकसित जनसमूह है। जो अमेरिकी जनसमूह है यह विश्व का सबसे नवीन और विकसित जनसमूह है। इस जनसमूह की 80% जनसंख्या 30 डिग्री से 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य निवास करती है। जो अमेरिकी जनसमूह है इसकी 80% जनसंख्या 80% जनसंख्या 30 डिग्री से 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य निवास करती है। 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर के पूर्व में निवास करती है। 100 डिग्री पूर्व देशांतर अमेरिका जनसंख्या विभाजन रेखा कहलाता है। 100 डिग्री जो पश्चिमी देशांतर है वो अमेरिका जनसंख्या विभाजन रेखा कहलाता है। अमेरिका जनसमूह की कुल जनसंख्या का 90% यूरोप से आए हुए प्रवासी लोग हैं। अमेरिका जनसमूह में 90% जो लोग हैं वो अफ्रीका से आए हुए हैं या प्रवासी हैं। लगभग 75% लोग नगरों में निवास करते हैं और यहाँ पर 75% जो लोग हैं वो नगरों में निवास करते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से देश में क्रम संयुक्त अमेरिका ब्राजील अर्जेंटीना और कनाडा है। अगला जनसमूह है अफ्रीका जनसमूह। अफ्रीका के द्राचल में 70% से अधिक भूभाग रेगिस्तानी आबाद और श्रमिक मनुष्य से घिरा हुआ है। अफ्रीका के द्राचल का 70% भाग है वो रेगिस्तान और गैर आबाद अर्थात वहां पर जहां जनसंख्या निवास नहीं करती है और श्रमिक मनुष्य से घिरा हुआ है। केवल 30% भाग पर ही जनसंख्या निवास करती है। 100 में से 70% भाग है वो रेतीला रेगिस्तानी क्षेत्र है जबकि 30% क्षेत्र पर जनसंख्या निवास करती है। मात्र 30% क्षेत्र पर जो मुख्य रूप से 3 क्षेत्रों में फैला हुआ है नील नदी घाटी क्षेत्र मिस्र और सूडान कटान तापा क्षेत्र जामिबिया और नाइजीरिया नदी घाटी क्षेत्र दक्षिण अफ्रीका का दक्षिण तटीय भाग। इस प्रकार संपूर्ण जो जन महाजन समूह है विश्व के उनको 4 भागों में विभाजित किया और चारों को हमने विस्तार पूर्वक देखा। अब है जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व देखिए जनसंख्या घनत्व के बारे में पहले चर्चा कर चुके हैं कि प्रत्येक वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वालों की जो लोगों की संख्या है उसको हम जनसंख्या घनत्व के अंतर्गत रखते हैं या जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जनसंख्या घनत्व किसी भी प्रदेश की उन्नति और भावी विकास को अनुमानित करता है। इस प्रदेश की जनसंख्या है वो भावी किस प्रकार विकास हुआ है किस प्रकार होगा या किस प्रकार उन्नति हुई है उसको प्रदर्शित करता है। प्रत्येक वर्ग किलोमीटर 1 किलोमीटर क्षेत्र में जैसे ये क्षेत्र है इसके अंतर्गत संपूर्ण क्षेत्र की बात करें इसके अंतर्गत प्रत्येक इस क्षेत्र के अंतर्गत निवास करने वाले लोगों की जो संख्या है हो सकता है 100 हो 200 कितनी भी हो सकती है। इसके अंतर्गत जो निवास करती है वो
कहलाती है यहाँ का जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व के भिन्न भिन्न प्रकार बताए गए हैं और बताया गया है यहाँ भिन्न भिन्न जो कार्य है या भिन्न भिन्न जो प्रकार है वो अलग अलग क्षेत्रों में इनका उपयोग किया जाता है। जैसे साधारणतः गणितीय जनसंख्या घनत्व के अंतर्गत कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल, साधारण जो जनसंख्या घनत्व निकाला जाता है या गणितीय जो जनसंख्या घनत्व निकाला जाता है उसके अंतर्गत हम सूत्र का प्रयोग करते हैं, कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल, साधारण जनसंख्या घनत्व। साधारण जनसंख्या घनत्व निकालने के लिए हम इस सूत्र का प्रयोग करते हैं, कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल। इसके अलावा कायिक घनत्व जो कि कृषि क्षेत्र के अंतर्गत उपयोग किया जाता है, कायिकी जनसंख्या घनत्व जिसका सूत्र है कुल जनसंख्या बटा कुल कृषि भूमि क्षेत्र, कुल जनसंख्या बटा कुल कृषि क्षेत्र। कृषि भूमि पर दबाव डाल रही जनसंख्या के लिए इस कायिकी शब्द का प्रयोग किया गया है। भारतीय कुल क्षेत्रफल लगभग 32.87 लाख है तथा कृषि 14.26 लाख अर्थात 43% भाग पर की जाती है। भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ है। इस प्रकार भारत का कायिकी घनत्व 121 करोड़ और 14.26 लाख बराबर 848 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 848 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। आगे कृषि घनत्व तीसरा है। कृषि घनत्व, कृषि घनत्व के लिए भी कुल कृषक जनसंख्या बटा कुल कृषि भूमि क्षेत्र, कुल कृषक संख्या बटा कुल कृषि भूमि क्षेत्र। प्रयोग किया जाता है इस सूत्र के माध्यम से कृषि की घनत्व निकाला जाता है और इसमें केवल कृषि में संलग्न जनसंख्या का ही उपयोग किया जाता है अर्थात जो कृषि कार्य में संलग्न लोग हैं जनसंख्या है उसका ही इसमें उपयोग किया जाता है या प्रयोग किया जाता है, अन्य जनसंख्या को इसमें सम्मिलित नहीं किया जाता है। आपके घनत्व आर्थिक घनत्व बराबर कुल जनसंख्या बटा कुल संसाधन, कुल जनसंख्या बटा कुल संसाधन। इसके माध्यम से आर्थिक घनत्व निकाला जाता है। पोषण घनत्व कुल जनसंख्या बटा कुल खाद्यान्न क्षेत्र, पोषण घनत्व बराबर कुल जनसंख्या बटा कुल खाता क्षेत्र का उपयोग किया जाता है। विश्व में जनसंख्या वितरण की विश्व में जनसंख्या क्या है उसका वितरण किस प्रकार पाया जाता है, संपूर्ण विश्व में भिन्न भिन्न पाया जाता है, पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं, कई मैदान कई नदियां कई पठार और पहाड़ हैं,
एन के मध्य जनसंख्या का जो स्वरूप है वो भिन्न भिन्न पाया जाता है। तो विश्व की जनसंख्या ब्यूरो वार्षिक घटन के अनुसार 2013 में विश्व की जनसंख्या घनत्व 47 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। औसत यदि घनत्व लगाया जाए संपूर्ण विश्व का संपूर्ण संसार का तो 47 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाया जाता है। एशिया जिसमें एशिया का जन घनत्व 116 एशिया का जन घनत्व है 116 अफ्रीका का है 27 अफ्रीका इसके अलावा दक्षिण अमेरिका 27 उत्तरी अमेरिका 20 तथा ओशिनिया 3 व्यक्ति प्रति व्यक्ति किलोमीटर जन घनत्व पाया जाता है। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से विश्व को 5 भागों में विभाजित किया गया है। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से संपूर्ण विश्व की बात करें जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से संपूर्ण विश्व को 5 भागों में विभाजित किया गया है। अति सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र अति सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र सामान्य या मध्यम जनसंख्या वाले क्षेत्र चौथा है निम्न जन घनत्व वाले क्षेत्र और पांचवा है अति निम्न जन घनत्व वाले क्षेत्र। तो सबसे पहले है अति सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र जिन क्षेत्रों में जन घनत्व 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक पाया जाता है। जन घनत्व है 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक पाया जाता है जिन क्षेत्रों में उनको अति सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र या जन घनत्व के अंतर्गत रखा जाता है। इसके अंतर्गत विश्व के 3 जनसंख्या समूह है दक्षिणी पूर्वी दक्षिणी दक्षिण पूर्वी एशिया पश्चिमी एवं मध्यवर्ती यूरोप पूर्वी उत्तरी अमेरिका को सम्मिलित किया जाता है। इन क्षेत्रों में अधिक जनसंख्या घनत्व पाए जाने के कारण स्वास्थ्य प्रद है यहाँ पर अधिक जनसंख्या पाए जाने का कारण है 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक पाए जाने का कारण है कि यहाँ स्वास्थ्य प्रद जलवायु है। इसके अलावा समतल मैदान पाया जाता है उपजाऊ भूभाग है जल की उपलब्धता है औद्योगिक विकास परिवहन और संचार की सुविधाएं उपलब्ध है। इस कारण यहाँ पर जो जनसंख्या है वो अधिक पाई जाती है। दूसरा है सघन जनसंख्या घनत्व क्षेत्र। सघन जनसंख्या घनत्व क्षेत्र के अंतर्गत 100 से और 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाया जाता है। 100 से अधिक और 250 से कम व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाए जाते हैं उनको सघन जनसंख्या घनत्व के अंतर्गत रखा जाता है। एशिया अफ्रीका तथा उत्तरी दक्षिण अमेरिका के घास के मैदान हैं वो इसी के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। मध्यम जन घनत्व वाले क्षेत्र 210 से 100 के मध्य 10 व्यक्ति से 100 व्यक्तियों के मध्य किसी क्षेत्र में यदि जन घनत्व पाया जाता है तो उनको हम मध्यम जनसंख्या या मध्यम जन घनत्व वाले क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं। इस क्षेत्र के अंतर्गत सुडान लीबिया कनाडा ऑस्ट्रेलिया साइबेरिया आदि देशों को सम्मिलित किया जाता है। अति निम्न या जल विहीन जन घनत्व वाले क्षेत्र 1 से 10 व्यक्ति कम से कम 1 और अधिक से अधिक 10 व्यक्ति वाले क्षेत्र जिनमें पाया जाता है प्रति वर्ग किलोमीटर 1 किलोमीटर के अंतर्गत 1 से 10 व्यक्ति पाए जाते हैं उनको अति निम्न या जन विहीन क्षेत्र जन समूह के अंतर्गत रखा जाता है। इसके अंतर्गत शीतल प्रदेश जैसे टुंड्रा है अति शुष्क प्रदेश इसके अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं।
अगर जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक, कि जनसंख्या घनत्व है उसको कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं, तो जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे पहले जो कारक है वो है भौतिक कारक। भौतिक कारक, दूसरा कारक है आर्थिक कारक, और तीसरा कारक है इसके अंतर्गत राजनीतिक कारक। तो सबसे पहले भौतिक कारक जिसके अंतर्गत जलवायु, भौतिक कारक के अंतर्गत भी सबसे पहले जो कारक है जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करता है उसमें है पहला जलवायु, कि जलवायु है जनसंख्या घनत्व को किस प्रकार प्रभावित करती है। तो जनसंख्या वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाला जो सबसे प्रमुख कारक है, जनसंख्या घनत्व और वितरण दोनों को जो सबसे प्रमुख कारक है जो प्रभावित करता है वो कारक है जलवायु। भूमध्य सागर प्रदेश समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है, जिसके कारण भूमध्य सागर प्रदेश में समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है, जिसके कारण प्रारंभ से ही वह मानव विकास या मानव निवास करता है। इसके विपरीत कांगो है, अमेजन है, बेसिन है, मंगोलिया है, सहारा है, अंटार्कटिका है आदि क्षेत्र में प्रतिकूल जलवायु पाई जाती है, जिसके कारण वहां पर जो जनसंख्या है वो निम्न या कम पाई जाती है। उच्चावच जलवायु के अंतर्गत जो दूसरा कारक, भौतिक कारक के अंतर्गत जो दूसरा कारक है वो है उच्चावच। उच्चावच जब किस प्रकार जल घनत्व या जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करता है, प्रत्यक्ष रूप से धरातल की जो बनावट है किसी प्रदेश के आर्थिक उन्नति की सीमा निर्धारित करती है। अर्थात किसी भी प्रदेश की जो धरातल बनावट है, वहां का जो धरातल है, वहां के जो प्रदेश की उन्नति या धरातल उन्नति को सीमांकित करती है या उसकी सीमा निर्धारित करती है, जिसमें विश्व की अधिकांश जनसंख्या शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में पाई जाती है। लोग वहां पर समतल मैदान और उपजाऊ मैदान वाले क्षेत्रों में अधिक बसना प्रारंभ करते हैं या अधिक बसना पसंद करते हैं। जल आपूर्ति, जल की प्राप्ति जनसंख्या वितरण तथा घनत्व दोनों को प्रभावित करती है। यही कारण है कि नदी घाटियां विश्व की प्राचीनतम सघन बसे हुए क्षेत्र है। जल का उपयोग घरेलू कार्य, औद्योगिक कार्य और सिंचाई आदि में किया जाता है। अर्थात जहां पर जल की आपूर्ति हो जाती है वहां पर जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने में जल की आपूर्ति भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्राचीन सभ्यता में जितने भी सभ्यताएं हुई है उनके अंतर्गत मानव ने जहां भी अपना निवास किया है वो नदी के आसपास ही किया है, या जल आपूर्ति जहां प्राप्त होती थी वही उन्होंने अपना निवास किया है। मृदा, उपजाऊ भूमि वाले समतल मैदानों में, उपजाऊ भूमि समतल मैदान है वहां पर खाद्यान्न आपूर्ति के लिए अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इन्होंने वहां पर बसन किया रहना, इसलिए मैदानी भागों में अर्थात उपजाऊ मृदा जहां पर पाई जाती है वहां पर जनसंख्या घनत्व भी अधिक पाया जाता है या सघन जनसंख्या वहां पर पाई जाती है। अगला आर्थिक कारक, आर्थिक कारक है वो किस प्रकार जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करता है, जिसमें पहला है खनिज। पहले इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं कि खनिज किस प्रकार प्रभावित करता है, कि जिस क्षेत्र में खनिज अधिक पाया जाता है वहां पर लोगों को रोजगार के अवसर आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, जिसके कारण लोग हैं वहां पर रोजगार के लिए चले जाते हैं और धीरे धीरे उस क्षेत्र में बसावट है सघन रूप से पाई जाने लगती है। अर्थात जनसंख्या घनत्व को खनिज भी मुख्य रूप से प्रभावित करता है।
खनन औद्योगिक गतिविधियां रोजगार उत्पन्न करती है जिसके कारण इन क्षेत्रों में अधिक पाए जाते हैं, जैसे जाम्बिया की तांबा पेटी। अर्थात जाम्बिया में तांबा पेटी पाई जाती है, उस क्षेत्र में जनसंख्या अधिक निवास करती है। इसके अलावा यूरोप में कोयला पेटी है, फ्रांस में, ब्रिटेन में भी इन्हीं कारण, और ऑस्ट्रेलिया में स्वर्ण खदान के कारण या स्वर्ण के पाए जाने के कारण वहां पर जनसंख्या अधिक पाई जाती है। नगरीकरण, नगरीकरण भी जनसंख्या घनत्व को अत्यधिक प्रभावित करता है। अर्थात जिन देशों में या जिन क्षेत्रों में या जिन महान जन समूहों में नगरीकरण अधिक पाया जाता है, नगर अधिक पाए जाते हैं या नगरीकरण का विकास अधिक पाया जाता है, उन क्षेत्रों में जनसंख्या भी अधिक पाई जाती है या जनसंख्या बसावटें अधिक पाई जाती है। नगरों में रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध होते हैं, शैक्षिक चिकित्सा परिवहन संचार सुविधाएं लोगों को नगरों की ओर आकर्षित करती है, जो मुख्य रूप से कारण रहा है कि लोगों पर क्यों पाई जाती है नगरों में जनसंख्या। तो रोजगार के साधन उपलब्ध है, वही शिक्षा संबंधी या चिकित्सा संबंधी सुविधाएं है या अन्य प्रकार की जो समस्त सुविधाएं है वो नगरों में आसानी से मिल जाती है। औद्योगिकरण, औद्योगिक जो इकाइयां है रोजगार के अवसर उपलब्ध कराती है। अर्थात औद्योग जहाँ पर उद्योग धंधे कल कारखाने स्थापित है वहां पर लोगों को रोजगार आसानी से उपलब्ध हो जाता है, जिसके कारण लोग है उस क्षेत्र की ओर अत्यधिक आकर्षित होते हैं। और इस कारण जापान का कोगो ओसाका प्रदेश है अधिक सघन बसा हुआ है। सामाजिक और सांस्कृतिक कारक इस प्रकार जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करते हैं। कुछ स्थान धार्मिक सांस्कृतिक महत्व के कारण लोगों को आकर्षित करते हैं, कुछ स्थान ऐसे होते हैं जो सांस्कृतिक धार्मिक स्थिति के कारण अपनी अलग पहचान रखते हैं, इसलिए लोगों का बसाव यह अधिक होने लग जाता है। जैसे मुख्य चाहे अजमेर की बात करें राजस्थान में, कि अजमेर में जहाँ हिंदू का एक तरफ पुष्कर है, वही मुस्लिमों के लिए ख्वाजाउद्दीन चिश्ती की दरगाह है, तो वहां पर लोगों का बसाव है अधिक देखने को मिलता है। अर्थात धार्मिक कारक भी जनसंख्या घनत्व को अत्यधिक प्रभावित करता है। और सामाजिक रीति रिवाज है या राजनीतिक अस्थिरता है, उन क्षेत्रों में कम जनसंख्या पाई जाती है। आज के लिए इतना ही, कल हम नेक्स्ट टॉपिक है जनसंख्या वृद्धि के बारे में चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत।